जय हिंद गाइस। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला पैनी स्टॉक जो कि बाय नहीं होता है। काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि टपारिया टूल्स बाय क्यों नहीं होता है, हम इसको ऑर्डर लगाते हैं फिर भी हमको यह नहीं मिलता। इसका कारण जानेंगे गाइस कि टपारिया टूल्स के शेयर आपको कब और कैसे मिलेंगे और क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या कारण है इसका कि टपारिया टूल्स के शेयर आपको नहीं मिल रहे हैं। जबकि टपारिया टूल्स स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पानी स्टॉक है, अगर इसके फंडामेंटल पर नजर डालें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। बिजनेस की बात करें आप देख सकते हैं जैसे टपारिया टूल्स, तो कंपनी नाम से ही पता चल जाता है कंपनी टूल्स बनाती है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें गाइस तो काफ़ी छोटी कंपनी है, 10.5 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो गाइस काफ़ी छोटी कंपनी है, एकदम माइक्रो कैप कंपनी है आप देख सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है क्योंकि यहां पर प्रमोटर की हाई प्रमोटर होल्डिंग है और डेट फ्री कंपनी है। तो जिस कंपनी में कर्ज होगा ही नहीं, अच्छा खासा रिजर्व पड़ा होगा, तो कंपनी अपने बिजनेस को तो ग्रो कर ही सकती है और अपने इन्वेस्टर का भी पैसा डबल कर सकती है। इसी कारण से इस कंपनी में लाखों इन्वेस्टर पैसा लगाने के लिए सोच रहे हैं लेकिन उनको शेयर नहीं मिल पा रहा है। कंपनी की पी पर नजर डालेगा तो 0.09 का कंपनी के यहाँ पर पी है, वही इंडस्ट्री पे देखेंगे तो इंडस्ट्री 34.5 का है। तो इससे यह समझ में आता है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे सस्ते रेट पर स्टॉक वर्तमान में मिल रहा है। वही बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी के यहाँ पर प्राइस जो है कि 209 रुपये के आसपास होना चाहिए था तकरीबन, मतलब बुक वैल्यू के आसपास, लेकिन स्टॉक का प्राइस काफ़ी कम है। तो काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी है जो कि स्टॉक का प्राइस इसका है। और डिविडेंड कंपनी 581% का देती है, आप देख सकते हैं डिविडेंड कितना परसेंट ज़्यादा देती है कंपनी यहाँ पर। डिविडेंड मतलब डिविडेंड से ही आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्टर का झोला भर देती है। ROC एंड ROE काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। और 10 रुपये फेस वैल्यू कंपनी अभी स्प्लाइट कंपनी ने नहीं दिया, जब स्प्लाइट देगी 1:10 के रेशियो से तो यहाँ पर इन्वेस्टर को अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। सेल्स कंपनी 1 रुपये के अंदर 848 करोड़ कंपनी जनरेट करती है, जबकि कंपनी का मार्केट कैप 10 करोड़ का है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर सेल्स कंपनी जनरेट करती है। और कर्ज कंपनी में मात्र 0.33 करोड़ कंपनी में कर्ज है, जबकि गाइस यहाँ पर रिजर्व कंपनी में 301 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ये तो कर्ज कभी भी अपनी चुकता कर सकती है, इतना ज़्यादा इसके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। और वही अर्निंग पर से देखेंगे गाइस तो 73 रुपये का अर्निंग पर शेयर है। इतना अर्निंग पर शेयर तो बड़ी बड़ी कंपनियों को रहता है गाइस, जो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती हैं। इस पैनी स्टॉक का 73 रुपये अर्निंग पर शेयर है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंपनी का, कंपनी अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। वही प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 69.7% की प्रमोटर की होल्डिंग है, जो कि हाई प्रमोटर होल्डिंग है। अदर इस कंपनी 10.1 करोड़ रुपये यहाँ पर जनरेट करती है, जो कि वैसे यहाँ पर माइनस पॉइंट हो जाता है। और FIDIS के यहाँ पर कोई भी होल्डिंग नहीं है क्योंकि प्रमोटर के पास ही शेयर पड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और प्रॉफिट कंपनी का 15.9% का है, जबकि कैश भी कंपनी में 10.8 करोड़ का पड़ा हुआ है। और गाइस वैल्यूम पर नज़र डालेंगे इसे देख सकते हैं यहाँ पर कि बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं होती है, बेचे और खरीदे बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है, आपको यह शेयर कैसे और किस तरह से मिलेंगे और क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो इसके बारे में आगे जानेंगे। प्लस पॉइंट की बात करेंगे इस तो देख सकते हैं कि कंपनी के ये सारे प्लस पॉइंट है, जो कि माइनस पॉइंट कंपनी का एक ही है। तो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला पैनी स्टॉक है। और क्वार्टरली रिजल्ट के अनुसार कंपनी का सेल्स जो कि लगातार इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से कंपनी ओवरऑल यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। वही पूरे साल पर नज़र डालेंगे तो पूरे साल में भी कंपनी की जो सेल्स है 241 करोड़ से आप देख सकते हैं कि कहाँ पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग मजबूत हो रही है धीरे चल के। रिटर्न की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं लास्ट साल में कंपनी अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को यहाँ पर दिया है। वही बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देख सकते हैं कि कंपनी के पास में रिजर्व 301 करोड़ का पड़ा हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है कंपनी की यहाँ पर, जबकि बोरोइंग कंपनी के यहाँ पर 0 नज़र आ रहा है। वही प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर की एक हाई प्रमोटर होल्डिंग है और प्रमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर काफ़ी विश्वास है, जो 69.71% की होल्डिंग थी, जो अभी वर्तमान में 69.72% की होल्डिंग है। तो गाइस अभी जानते हैं कि इसमें आपको शेयर इसके क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या कारण है और किस तरह से आपको इसके शेयर मिलेंगे। तो गाइस जैसे देख सकते हैं कि प्रमोटर की हाई प्रमोटर होल्डिंग है और पब्लिक पर नज़र डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि पब्लिक में कौन कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक में लोग इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो भी प्रमोटर के ही मतलब रिलेशनशिप के, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देवी टपारिया और ये भी है सब, ये मतलब कि प्रमोटर के ही मतलब रिलेशन के हैं जो उन्होंने खरीद रखा है। अनंत टपारिया ये देख सकते हैं और गाइस यही खरीदते हैं और यही बेचते हैं, जो कि जिसके कारण यहाँ पर पब्लिक को बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग प्रमोटर के ही रिलेशन के, प्रमोटर के आस खास कर जो कि उनके रिलेशन के दोस्त या कुछ और लोग हैं वही लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर
उन्हीं के खानदान के लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो जिसके कारण से ये बेचते ही नहीं हैं गाइस यहाँ पर। जब बेचेंगे नहीं तो आपको शेयर कहाँ पे मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे एक और तरह के जैसे एमओ ऑर्डर लगाने से आपको यहाँ पर मिल सकते हैं कुछ इनके शेयर, लेकिन वो एमओ ऑर्डर लगाने से पहले आपको मतलब टाइम का बहुत बड़ा इसमें वो रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकर हैं, अलग अलग ब्रोकर जैसे चरोदा हो गया और अपटोक्स हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गई और ग्रो हो गया, सब में मतलब एमओ ऑर्डर लोग लगाते हैं, रोज़ लगाते हैं इसमें टपारी टूल्स के लिए, और लगाने के बाद छोड़ देते हैं गाइस। लेकिन इसमें से कि जो भी लोग अगर थोड़ा बहुत बेचते भी हैं, इसमें पब्लिक होल्डिंग है जिसमें, तो उन लोगों को शेयर मिलता है जो कि सबसे पहले एमओ ऑर्डर इनका लगता है, टाइम का बहुत बड़ा इसमें रहता है, क्योंकि जो ये ऑर्डर अलग अलग ब्रोकरेज जो ये लगाते हैं, ब्रोकर अलग अलग लगाते हैं ये, लेकिन इनको सबको एग्जीक्यूट करने वाला ना, तो सबको ऑर्डर एक ही जगह में जाना है जो एनएससी के पास में जाना है, और वही इसको ऑपरेट करती है, तो यहाँ पर टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एक तो शेयर सेल कम बहुत कम होते हैं, और कम होने के साथ साथ जो कि फर्स्ट में जो ऑर्डर लगाता है, फर्स्ट में जो ऑर्डर जिसका टाइमिंग होता है, फर्स्ट ऑर्डर लगता है, तो उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट जो भी शेयर है मिल जाते हैं, 100-200 जितने भी यहाँ पर सेल होते होंगे तो उस हिसाब से मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबको नहीं मिल पाते हैं, काफ़ी मुश्किल हो जाता है मिलना। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जब सेल हो गई नहीं तो मिलेंगे कहाँ से, और फिर चाहे आप एंजल बुकिंग जरूरत है काइट कहीं से भी लें, लेकिन इसको एक जुट या इसको ऑपरेट करने वाला तो एक ही है ना, एनएससी। तो जो एनएससी जो फर्स्ट में सबसे पहले एमओ ऑर्डर लगा हुआ वहीं पे इसको मिलने के चांस ज़्यादा रहता है, बाकी लोगों को मिलने का चांस बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहता है। धन्यवाद।